बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकंड ईयर क्लास का लेक्चर नंबर 4 सर्कल पे है, कॉनिक सेक्शन हम पढ़ रहे हैं। और इससे पहले जो 3 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं उनके अबाउट में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। सबसे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था सर्कल, फिर उसका सेंटर क्या होता है और उसका रेडियस क्या होता है, फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्राइव की थी स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल एट ओरिजिन 0 0 वो डिस्कस की थी, उसके बाद आपने पॉइंट सर्कल, यूनिट सर्कल और पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये तमाम हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था। फिर लेक्चर नंबर 2 में हमने एक सेंटर और रेडियस दियो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करते हैं वो डिस्कस किया, और इसके साथ एंड ऑफ डायमीटर दियो और इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी हो वो तरीका डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 3 में हमने जनरल फॉर्म पढ़ी, जनरल फॉर्म से सेंटर और रेडियस निकाला था वो कैसे निकालते हैं अगर जनरल फॉर्म दी हो, और फिर उसके क्वेश्चन किए थे। ये तो पहले 3 लेक्चर का ओवरव्यू दिया है, अब लेक्चर नंबर 4 है, मजीद आगे हम डिस्कस करते हैं। हम अभी सर्कल को डिस्कस कर रहे हैं तो इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल। If a circle passes through 3 points, dear students, आपको सबसे पहले ये बताओ, जब भी सर्कल की इक्वेशन आनी हो तो आपके माइंड में सिर्फ 2 इक्वेशन आती हैं, 2 फॉर्म आती हैं, एक एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। फिर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये आपके पास जनरल फॉर्म है। अब जैसे ही कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं ये फॉर्म लगाऊं या ये फॉर्म लगाऊं? जैसे कि अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 राइट an equation of a circle that passes through the given points. Given points कौन से हैं? चेक कर एक बार मैं करता हूं। फॉर एग्जाम्पल ए है 4 5, बी है -4 -3 जबकि सी है 8 -3। कोई भी इक्वेशन होगा तो जब भी इक्वेशन लिखा होगा तो आपके माइंड में फौरन 2 फॉर्म्स आएंगी, स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म। फिर हम देखेंगे कि इस पे जनरल फॉर्म लगाएं या स्टैंडर्ड फॉर्म। अब सेंटर दियो 3 4, रेडियस दियो तो फौरन आपका रेडियस 1 4 दियो तो फौरन देखेंगे कि हमने ये फॉर्म लगा लिया ये, तो इधर देखें सेंटर होता है h के रेडियस r, तो फौरन हमें पता चल गया कि ये वाली फॉर्म लगा के हम इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालेंगे। एक और एंड ऑफ डायमीटर नहीं हो, पास ये सर्कल है, ये डायमीटर के एंड्स, ये सेंटर है, ऐसी कार्ड्स जो सेंटर से पास उसे डायमीटर कहते हैं। ये दी है a 1 2 और ये बी दी है 3 4। अब जहन में क्या आता है कि मैं ऊपर वाली फॉर्म लगाऊं या नीचे वाली, तो फौरन जहन में आया कि मुझे इस फॉर्म में सेंटर फाइंड कर लेंगे। ये कब अप्लाई होता है? जब सेंटर के मन हो। कैसे सेंटर निकालेंगे? मिड पॉइंट निकालें दोनों का, तो वो सेंटर आ जाएगा, और सेंटर से पॉइंट ए या सेंटर से पॉइंट बी तक डिस्टेंस निकालेंगे वो रेडियस, तो इसका मतलब है यहां भी हमें सेंटर मिलेगा रेडियस, तो हम ये फॉर्म लगाएंगे। अब आ गया ये 3 पॉइंट से सर्कल पास हो रहा, अब देखें क्या हम ये लगा सकते हैं, चेक करते हैं। हमें सेंटर चाहिए और रेडियस, एक पॉइंट है ये सर्कल पास हो रहा है 5, एक पॉइंट ए से कितना है 4 5, ए कहीं और देखें बीच पर डबल इधर है -4 -3, एक पॉइंट सी है 5 डबल कहीं भी 8 -3। अब मुझे सेंटर निकालना है, सेंटर नहीं फाइंड हो सकता यहां से इन 3 पॉइंट्स की मदद से, रेडियस भी नहीं फाइंड हो सकता, लिहाजा हम ये वाली टाइप नहीं लगा सकते, हम फिर दूसरी टाइप लगाएंगे। सबसे पहले आपने टाइप को समझना है कि देखें कंफ्यूजन होती है अक्सर कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें मुख्तलिफ आगे और भी 3 4 टाइप्स आएंगी कि हम कौन सी
टाइप लगाएं, स्टैंडर्ड फॉर्म लगाएं या जनरल फॉर्म, तो वो क्वेश्चन जब कोई भी लिखें साथ दोनों फॉर्म लिख लें, इनका दोनों फॉर्म से कंपैरिजन करें। पहली फॉर्म है जिसमें सेंटर और रेडियस आपको पता हो, क्या हम इन पॉइंट्स की मदद से सेंटर निकाल सकते हैं या रेडियस निकाल सकते हैं, तो फिर तो वो टाइप, अगर वो टाइप ना लगे तो फिर सेकंड लगेंगे। तो उसके लिए इधर लिखेंगे सेकंड टाइप, सेकंड टाइप से करेंगे जो कि आपके पास जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, यही हमारा सर्कल है जनरल फॉर्म। अब मुझे इसमें चाहिए क्या, एक एफ की वैल्यू, जी की वैल्यू और सी, अगर एफ भी निकाल लू, जी भी निकाल लू, सी भी निकाल लू, तो इसमें कट काट दू तो हमारा सर्कल बन जाएगा। इसलिए हमने एफ वैल्यू ऑफ एफ वैल्यू ऑफ जी एंड सी ये हमने ढूंढनी है। अब देखिए मैं उसने कहा कि पॉइंट ए बी और सी तीनों से सर्कल पास हो रहा है, यानी तीनों सर्कल के ऊपर है, यानी तीनों इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब है तीनों हम इसमें पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्कल इन तीन पॉइंट में से पास हो रहा है। अगर इन तीन पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे सिंस पॉइंट ए फोर फाइव बी माइनस फोर माइनस थ्री एंड सी एट माइनस थ्री ठीक है लाइज ऑन सर्कल, ये सर्कल के ऊपर ठीक है, ये सर्कल के ऊपर अध्याय होने, ये क्या सेटिस्फाई करेंगे, इसका मतलब ए पॉइंट बी और सी इसके लिए सेटिस्फाई करेंगे। पहले हेडिंग दें फॉर पॉइंट ए, ए पॉइंट ए प्रॉपर आपने हेडिंग देनी है, जो भी पेपर चेक करने वाला हो प्रॉपर हेडिंग देखेगा तो उसको फौरन समझ आ जाएगा कि इसका पार्ट बिल्कुल ठीक है। फॉर पॉइंट ए उसके लिए बहुत आसानी होगी चेकिंग, फॉर पॉइंट ए, ए पॉइंट क्या है उसके पॉइंट फोर और फाइव, एक्स की वैल्यू फोर वाई की वैल्यू फाइव, इसी के मान में पुट कर देते हैं। तो ये मान में देखिए एक्स के क्या पुट करूंगा फोर, तो ये बन जाएगा फोर का स्क्वायर प्लस वाई की जगह फाइव, फाइव का स्क्वायर प्लस टू जी एक्स की जगह फोर प्लस टू एफ और वाई की जगह फाइव प्लस सी इक्वल टू जीरो। फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, फोर टू आर एट जी प्लस टेन एफ प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये मेरे बच्चों आ गए एट जी प्लस टेन एफ प्लस सी प्लस फोर्टी वन इज इक्वल टू जीरो, नंबर इसका नाम देते हैं टू। ये पहला पॉइंट पुट किया इसको सिंपलीफाई कर लिया, आप दूसरा पॉइंट इसमें पुट करते हैं फिर तीसरा, हमें तीन इक्वेशन मिलेंगी क्योंकि हमने तीन कांस्टेंट निकाले हैं एफ जी और सी, तीन कांस्टेंट तभी फाइंड हो सकते हैं, हमारे पास तीन इक्वेशन हो, तीनों को आपस में करके हम तीनों कांस्टेंट निकालेंगे, एक इक्वेशन मिलेगी। आप लिखेंगे हेडिंग देंगे फॉर पॉइंट बी, बी है क्या, बी आपके पास है माइनस फोर और माइनस थ्री, एक्स की जगह माइनस फोर पुट कर देते हैं इधर इक्वेशन में ठीक है, माइनस फोर का स्क्वायर प्लस वाई की जगह माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस टू जी और साथ क्या है एक्स, एक्स की जगह में बच्चों माइनस फोर प्लस टू एफ, वाई की जगह माइनस थ्री प्लस सी की जगह सी आएगा, तो इसको फोर का स्क्वायर सिक्सटीन माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस नाइन, फोर टू आर एट जी माइनस सिक्स एफ प्लस सी इक्वल टू जीरो, माइनस एट जी माइनस सिक्स एफ प्लस सी सिक्सटीन प्लस नाइन ट्वेंटी फाइव इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर थ्री। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे फॉर पॉइंट सी, हेडिंग देंगे फॉर पॉइंट सी, सी हमारे पास है एक्स कोऑर्डिनेट ए वाई कोऑर्डिनेट माइनस थ्री, एक्स इक्वल टू एट और वाई इक्वल टू माइनस थ्री, इक्वेशन वन पुट करते हैं एक्स का स्क्वायर एट का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस टू जी एक्स, टू जी और एक्स की जगह एट प्लस टू एफ वाई, टू एफ और वाई की जगह माइनस थ्री प्लस सी इक्वल टू जीरो, सिक्सटी फोर प्लस नाइन प्लस सिक्सटीन जी
माइनस सिक्स एफ प्लस सी इक्वल टू जीरो, सिक्सटीन जी माइनस सिक्स एफ प्लस सी सिक्सटी फोर प्लस नाइन सेवेंटी थ्री इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर फोर। अब आप नोट करें, मैंने क्या कहा था कि तीन पॉइंट जब भी नहीं हो तीनों पॉइंट्स को जनरल फॉर्म में आप पुट कर दें। जब जनरल फॉर्म में आप तीनों पॉइंट्स पुट करेंगे तो हमें तीन नई इक्वेशन मिलेंगी, एक का नाम टू थ्री और फोर। अब हमने इन तीनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना है और वहां से एफ की जी की और सी की वैल्यू निकालनी है। अब देखें, अगर मैं इक्वेशन टू को थ्री से हल कर दूं, ये सी प्लस का है ये भी सी प्लस का, दोनों सी हैं, माइनस करूंगा सी कैंसिल हो जाएगा, तो कितने कांस्टेंट रह जाएंगे एफ और जी, एफ और जी। तो पहले हम इक्वेशन टू और थ्री को माइनस करते हैं तो एक आपके पास सी कैंसिल हो जाएगा, फिर एक और इक्वेशन चाहिए, टू को फोर से माइनस कर लूं या थ्री को फोर से, आपकी मर्जी है। तीन इक्वेशन है, अगर इसको इसके साथ सॉल्व करूं फिर इसको सॉल्व करूं या इसको आपकी मर्जी है। तो पहले करते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थ्री फ्रॉम टू, ऊपर फ्रॉम टू टू ऊपर लिखें, एट जी प्लस 10f plus c plus 41 equal to 0 और इधर minus 8g minus 6f plus c plus 25 equal to 0। इन दोनों को क्या करें, subtract करने वाला साइन चेंज करें, plus plus minus minus, ये 8g और 8g मेरे पे 16 जी आएगा, 10f को plus 6f 16f c c कट गया, 41 में से 25 निकाले तो plus 16 equal to 0। आप इसको किस पे डिवाइड कर सकते हैं, 16 पे, ताकि 16 पे सब डिवाइड हो रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, g प्लस f प्लस 1 इक्वल टू 0। इस पे क्या नंबर क्या दे दें, पहले 4 तक है 5, ये एप्लीकेशन नंबर 5। इसमें कितने कांस्टेंट आ गए, f और g। अब हमें एक और इक्वेशन ऐसी चाहिए जिसमें f और g हो, तो वो क्या था, सर का 2 को मैंने 3 से माइनस किया है, अब या तो 2 को 4 के साथ हल कर लें या 3 को 4 के साथ, सी खत्म हो जाएगा। तो हम लिखते हैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 4, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 4, यानी 2 और 4 को आपस में हल कर लेते हैं, 2 और 4 को, तो फ्रॉम 4 है तो 4 को 16 जी माइनस 6 एफ प्लस सी प्लस 73 इक्वल टू 0, और इधर 8g प्लस 10f प्लस c प्लस 41 इक्वल टू 0। सबट्रैक्ट करें, साइन चेंज, माइनस 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 और माइनस, 16g में से 8g निकालें तो 8g माइनस 6f माइनस 10f माइनस 16f, c c से मेरे बच्चों कट जाएगा, 73 में से 41 32 में था, 32 आपके पास। अब ये आपके पास प्लस, आप देखिए इसको सबको किस पे डिवाइड कर सकते हैं, 8 पे डिवाइड कर दें तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास आएगा g माइनस 2f प्लस 16 टू था 8 फोर था 30, 8 पे सबको डिवाइड कर, यहाँ 8 कैंसिल, g माइनस 2f प्लस 4 इक्वेशन नंबर, इसका नाम रख लेते हैं, पहले कहाँ कहाँ तक पहुंच चुके हैं आप, 5 तक, ये 6 होगी, ये आपके पास क्या होगी 6। अब देखें, अगर मैं 5 और 6 को आपस में सॉल्व करूं तो हमारे पास f भी मिल जाएगा g भी मिल जाएगा, उसके बाद हमें क्या निकालना होगा c। तो इन देखें यहाँ आपके पास कितने हैं g, यहाँ भी आपके पास क्या है g, दोनों प्लस के हैं तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम 5, तो 5 ऊपर रखें g प्लस f प्लस 1 इक्वल टू 0, g माइनस 2f प्लस 4 इक्वल टू 0, ये स्प्रेड करोगे ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, g जिस कट गया f प्लस 2f, आपके पास कितने आएंगे 3f, 1 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0, 3f इक्वल टू 3, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 1, f मेरे बच्चे आ गया 1। अब f की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, किसी एक 5 में करें या 6 में, तो बाय इक्वेशन 5 आपके पास कितना आएगा g प्लस f की जगह 1
प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो जी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस टू, वन प्लस वन। एफ भी मिल गया, जी भी मिल गया, अब हमें क्या चाहिए सी। तो ये एफ और जी की वैल्यू या इक्वेशन टू में पुट कर दें या थ्री या फोर बाई इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में पुट करते हैं। एट मल्टीप्लाई बाई जी, जी कितने हैं टू, एट टू ला रेड लाइन सिक्सटीन। टेन मल्टीप्लाई बाई एफ, एफ वन है तो प्लस टेन, प्लस थ्री प्लस फोर्टी वन इक्वल टू जीरो। ये देखें जी की जगह क्या पुट किया आपने, जी की वैल्यू जो कि आपके पास माइनस टू है, एट मल्टीप्लाई बाई माइनस टू माइनस सिक्सटीन, टेन मल्टीप्लाई बाई एफ, एफ की वैल्यू वन, टेन वन टेन प्लस थ्री प्लस फोर्टी वन। तो ये आपके पास कितना आ गया फोर्टी वन प्लस टेन फिफ्टी वन, फिफ्टी वन में से सिक्सटीन निकाल थर्टी फाइव। तो सी विच अप्लाइज है, सी प्लस थर्टी फाइव इक्वल टू जीरो, तो सी इक्वल कितनी आ गई माइनस थर्टी फाइव। अब हेडिंग एंड पे आ गई, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, आप सर्कल की इक्वेशन निकालते हैं। सर्कल की इक्वेशन क्या कही थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स, पहले एक्स स्क्वायर लिखें प्लस वाई स्क्वायर, फिर क्या आएगा टू जी एक्स, टू की जगह जी की जगह क्या लगाएंगे, जी की वैल्यू माइनस टू, तो कितना आएगा टू मल्टीप्लाई बाई माइनस टू माइनस फोर एक्स, क्या बन जाएगा माइनस फोर एक्स, फिर क्या प्लस टू एफ वाई, मेरे बच्चों एफ की जगह वन है तो टू मल्टीप्लाई वन टू वाई प्लस टू वाई प्लस सी। अब सी की वैल्यू कितनी है थर्टी फाइव, तो ये माइनस थर्टी फाइव इक्वल टू जीरो इज इक्वेशन रहा सर्कल। तो ये आपके पास सर्कल आ गया। तो आज हमने नया टॉपिक सीखा है, जिसका पहले सीखा था कि अगर सेंटर और रेडियस दिए हों तो सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, एंड्स ऑफ डायमीटर दिए हों तो सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, सर्कल की इक्वेशन दी हो तो सेंटर और रेडियस कैसे निकालते हैं। ये तीन टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हमारा चौथा टॉपिक क्या था कि अगर तीन पॉइंट से सर्कल पास हो रहा हो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं। तो दोबारा जरा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप, क्योंकि इसके पाँच पार्ट हैं, चार क्वेश्चन हैं, एक एग्जाम्पल है, एक मैंने किया है, बाकी चारों पार्ट मैंने इतनी डिटेल में करा दिया कि आप चारों पार्ट खुद आप इजीली कर सकते हैं। तो आप इसको एक दफा फिर मैं आपको समझाता हूं ताकि चारों पार्ट आप खुद करें। सबसे पहले राइट एन इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। Since the points A, B and C lie on circle, क्योंकि सर्कल इनसे पास हो रहा है तो सर्कल पे लाई करेंगे। फॉर पॉइंट A, 4, 5, अगर ये सर्कल के ऊपर है तो इसका मतलब है सर्कल को सेटिस्फाई करेंगे हम, इस सर्कल की जगह गए हैं हमें जनरल फॉर्म लिए इसको ये सेटिस्फाई करेंगे, यानी x की जगह x की कीमत y की जगह y हम पुट कर सकते हैं। तो x की जगह 4, y की जगह 5, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2g into x जगह 4 प्लस 2f y जगह 5 प्लस c इक्वल टू 0, 16 प्लस 25 प्लस 8g प्लस 10f प्लस c इक्वल टू 0, 8g प्लस 10f प्लस c 25 प्लस 16 41 इक्वल टू 0। फॉर पॉइंट b माइनस 4 माइनस 3, x की वैल्यू माइनस 4 है, माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2g x की जगह माइनस 4 प्लस टू एफ वाई के माइनस थ्री प्लस सी इक्वल टू जीरो। फोर का स्क्वायर 16, थ्री का स्क्वायर 9, टू फोर जार 8 और टू थ्री जार 6 माइनस, ये भी माइनस, प्लस सी इक्वल टू जीरो। माइनस 8 जी माइनस 6 एफ प्लस सी 16 प्लस 9 25 इक्वल टू जीरो। फोर पॉइंट सी 8 माइनस 3, एक्स की जगह 8 पुट करेंगे, वाई की जगह माइनस 3, 8 का स्क्वायर प्लस वाई की जगह माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2g और एक्स की जगह 8 प्लस टू एफ वाई की जगह माइनस थ्री प्लस सी इक्वल टू जीरो। एट स्क्वायर 64 माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस 9, एट टू दस 16 जी, थ्री टू दस 6 एफ माइनस है तो माइनस में आएगा, प्लस सी इक्वल टू जीरो। 16 जी पहले लिख लें माइनस 6 एफ प्लस सी, 64 में 9 ऐड करें 73, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। क्यों, अब हमारे पास तीन इक्वेशन आ गए हैं 2 3 और 4 जिनमें तीन तीन कॉन्स्टेंट हैं, हम इनको रिड्यूस करेंगे दो दो कांस्टेंट में, जब दो दो आ जाएंगे तो उनके आपस में सॉल्व करने तैयार ये सामने हो जाएगा। अभी तीन को नहीं, हम तीनों कांस्टेंट एट अ टाइम नहीं फाइंड कर सकते, पहले दो कांस्टेंट निकालेंगे फिर हम तीसरा निकालेंगे। तो उसके लिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, ये आपके पास 3 है और ये 2, इन दोनों को माइनस करते हैं
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले फ्रॉम 2 लिख के तो 2 ऊपर रखेंगे, 8g plus 10f plus c plus 41 equal to 0, और नीचे 16g minus 6f plus c plus 73 equal to 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होंगे, माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, 8g और ये प्लस के हो गए 16g 16f, ये कट गए 41 minus 25 16, सब पे 16 का टेबल जा रहा है, 16 पे डिवाइड करें, g plus f plus 1 equal to 0, जब इन दोनों को माइनस किया तो एक इक्वेशन आ गया जिसमें दो कांस्टेंट हैं। अभी हमें एक और इक्वेशन चाहिए जिसमें दो कांस्टेंट हो, हम एक काम करते हैं 2 को 4 से हल कर सकते हैं या 3 को 4 से, हम 2 और 4 को हल करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 4 कर लें या 4 फ्रॉम 2, आपकी मर्जी, फ्रॉम 4 है तो 4 को ऊपर रख लेते हैं, 4 आपके पास है, 16g minus 6f plus c plus 73 equal to 0, फ्रॉम 4 का ऊपर का 2 नीचे रख लें, 2 आपके पास है, 8g plus 10f plus c plus 41 equal to 0, जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज हो जाएगी, माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, 16g minus 8g minus 6f minus 10f minus 16f और 73 में से 41 निकालें तो 32। अब देखें 8 पे डिवाइड हो सकता है, इधर क्या जी रह जाएगा, 8 2 जा 16, 8 4 जा, और 0 को जब 8 पे डिवाइड करेंगे तो आप 0 देंगे। अब हमारे पास दो नई इक्वेशन आ गई हैं 5 और 6, इनमें गौर करें तो जी और एफ, इसमें भी जी और एफ, अब दो कांस्टेंट हैं आपस में हल करेंगे, एफ की वैल्यू भी आ जाएगी जी की भी, अगर यहाँ जी प्लस का है यहाँ भी जी प्लस का है तो इनको माइनस करना पड़ेगा, अगर डिफरेंट साइन होते तो ऐड करते, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर यानी कि वह 6 फ्रॉम 5, 5 पहले लिखें g plus f plus 1 equal to 0 और 6 g minus 2 plus 4 equal to 0, स्प्रेड करना है प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, g g से कट जाएगा, f plus 2f 3f 1 minus 4 minus 3 3f equal to 3 f equal to 1। डियर स्टूडेंट f की वैल्यू आप कहां पुट करेंगे, या 5 में है या 6 में, जहां मर्जी आप पुट करें, 5 में करते हैं g plus 1 plus 1 equal to 0, 1 plus 1 2, राइट साइड पे जाएगा तो g equal to minus 2, f भी मिल गया, g भी मिल गया, मेरे बच्चों आपको क्या रह गया c, ये f की वैल्यू और g की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 2 में पुट करूं तब भी c मिलेगा, 3 में पुट करूं तब भी c मिल जाएगा, और 4 में पुट करता हूं तब भी c मिल जाएगा, तो हम किसी एक में पुट कर लेते हैं, by equation 2 8 multiplied by g, g की वैल्यू है minus 2, 8 multiplied by minus 2 plus 10 f, f की वैल्यू मेरे बच्चों 1 है तो f इधर 1 आएगा, plus 3 plus 41 equal to 0, 41 में 10 add करें 51, 51 में 16 निकालें तो 35 आ जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा ये आपके पास वैल्यू c कितनी आ गई 35 minus 35, क्योंकि c plus 35 equal to 0, तो c equal to minus 35, हमें क्या मिल चुका है f g और c, इन तमाम को इसमें पुट करते हैं जो आपने सर्कल के इक्वेशन कंसीडर की थी, तो उसमें f की जगह आप क्या पुट कर देंगे, f की वैल्यू g की जगह g और c की जगह c, तो सर्कल क्या बन गया x square plus y square plus 2gx, g मेरे बच्चों minus 2 है तो minus 2 2 जा minus 4x, 2f y की जगह क्या पुट करेंगे, अब इसकी जगह f की जगह, f की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 into 1 2 y plus c की जगह 35 तो minus 35 equal to 0, our equation of circle is x square plus y square minus 4x plus 2y minus 35 equal to 0। उम्मीद है dear students कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा, अब इसके जो remaining part है वो खुद करें, और इसमें से कल जो quiz attempt आपने करना है वो आपने पहले इसको तैयार करना है, उसके बाद बल्कि क्वेज का आपको सिलेबस दी है, क्वेज का आपको जो सिलेबस दिया उसके मुताबिक आप पहले तैयार करें फिर क्वेज अटेम्प्ट करें, ताकि क्वेज में जो आपका एक सिलसिला चल रहा है बहुत अच्छे मार्क्स आप ले रहे हैं वो इस तरह चलता रहे। डियर स्टूडेंट अल्लाह हाफिज़।